वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अब तक हम फाइव मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में अच्छे से जान चुके हैं इंडिया की कौन कौन से फ़ाइव मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में जाना हमने सबसे पहले हमने द हिमालन माउंटेंस को डिस्कस किया दैन हमने डिस्कस किया द नर्दन प्लेन्स एंड देन हमने डिस्कस किया द पन सोलर प्लेटो और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया द इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन्स स्टूडेंट्स ये फाइव मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स इंडिया के मेन लैंड को बनाते हैं यानी कि इंडिया का जो मेन लैंड एरिया है वो इन फाइव मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन से बनता है लेकिन इंडिया के मेन लैंड के अलावा टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स भी हैं कौन कौन से ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड सेकेंड कौन सा है अंडामान एंड निकोबार आइलैंड्स आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे सो स्टूडेंट्स द लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला स्टूडेंट्स अगर हम मैप में देखें तो जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो कहाँ पाया जाता है मालाबार कोस्ट के साउथ में आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है मालाबार कोस्ट और इसके साउथ में क्या है लक्षद्वीप आईलैंड ये आप देख रहे होंगे बहुत सारे डॉट्स हैं ठीक है ये है लक्षद्वीप आईलैंड दिस ग्रुप ऑफ आईलैंड इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड अब ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंडस हैं यहाँ पर छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स पाए जाते हैं अब कोरल आइलैंड क्या होते हैं बच्चों तो बच्चों जो कोरल आइलैंड हैं वो कोरल पॉलिप्स से बनते हैं कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं कोरल पॉलिप्स और शॉर्ट लिप माइक्रो ऑर्ग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गनिजम्स जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो माइ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते हैं शॉर्ट लिव्ड yeah, होते हैं विच लिव इन कॉलोनीज जो कैसे रहते हैं ग्रुप्स बना के रहते हैं दे फ्लरिश इन शेलो मर्डफ्री एंड वार्म वाटर और ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये फ्लरिश करते हैं जो मर्डफ्री और वाम वाटर होता है ना उसमें फ्लरिश करते हैं और ये सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट द कोरल सिक्रीशन एंड दिय स्कैल्टन फ्राम कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स तो बच्चा होता क्या है कि जब कोरल पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रियट करते हैं वो सॉलिड होता जाता है और ऐसे ही वो एक दूसरे पर डिपॉजिट होता जाता है और क्या बनाता है रीफ्स ठीक है और ये जो रीफ्स फॉर्म होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं बेरियर रीफ फ्रिंगिंग रीफ एंड एटोल्स द ग्रेट बैरियर रीफ़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स तो जो ऑस्ट ऑस्ट्रेलिया में है एक बहुत ही बड़ा बैरियर रीफ है जो कि एक एग्जाम्पल है एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कोरल रीफ्स की एटोल्स आर सर्कुलर और हॉर् शू शेप्ड कोरल रीफ्स जो एटोल्स होते हैं वो सर्कुलर या फिर हॉर्स शू शेप्ड के होते हैं जैसे कि अगर कोरल पॉलिप्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रिएट करते जाते हैं ठीक है तो वो ऐसे ऐसे करके ऐसे सर्कुलर में यहाँ से ऐसे सर्कुलर में डिपॉजिट होता जाएगा ठीक है ऐसे ऐसे करके ऊपर 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 डिपॉजिट होता जाएगा और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा ठीक है इस तरह तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है ना ये होता है एटोल्स तो बच्चों ये हमने जाना कि कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं अब जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये पहले किस नाम से जाना जाता था लाकादीव मिनिकॉय एंड एमिन इस नाम से लक्षद्वीप आइलैंड पहले जाना जाता था और फिर 1973 में इस आ, इस ग्रुप ऑफ आइलैंड को नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया गया लक्षद्वीप तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि जो लक्षद्वीप का लक्षद्वीप आइलैंड का नाम पड़ा था वो कब पड़ा था 1973 में ओके कावारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप अब जो कावारती आइलैंड है वो लक्षद्वीप का क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो लक्षद्वीप है उसकी कैपिटल क्या है कावरती आइलैंड हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो लक्षद्वीप है वो स्टेट नहीं है वो क्या है यूनियन टेरिटरी ओके दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना इस आइलैंड में फ्लोरा एंड फना की बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है यानी कि जो प्लांट्स एंड एन एनिमल हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर यानी कि यहाँ पे जो जंगल हैं वो भी पाए जाते हैं काफ़ी घने जंगल पाए जाते हैं द पी आइलैंड आईलैंड विच इज़ अन इन्हीबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी यानी कि जो पीटी आइलैंड है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स वगैरह पाए जाते हैं और इसीलिए उस आइलैंड को बर्ड सेंचुरी कहा जाता है ओके ये जाना हमने लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अगर हम मैप में देखें तो बे ऑफ बंगाल में हमें एक एलोंगेटेड चेन दिखाई देगी एलोंगेटेड यानी कि एक लंबी सी चेन दिखाई देगी वो क्या है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं ओके okay? और ये जो आइलैंड्स हैं इन्हें भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जो नॉर्थ की तरफ है वो है अंडामान आईलैंड जो साउथ की तरफ है वो है निकोबार आइलैंड्स दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं और स्कैटर हैं फैले हुए हैं लेकिन वहीं अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड के साइज़ की बात करें एरिया वाइज तो वो बहुत उसका बहुत ही स्मॉल एरिया है कितना एरिया है थर्टी टू स्क्वायर किलोमीटर ओके इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सब मैरिन माउंटेन्स ऐसा माना जाता है कि जो है, ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं ये एलिवेटेड पोर्शन है सब मेरीन माउंटेन्स का इसका क्या मतलब हुआ बच्चों तो बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था यहाँ से क्या माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं यहाँ से माउंटेन्स आते आते जब यहाँ पर पहुँचते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे तो ये इस तरफ को बैंड हो जाते हैं ठीक है यानी कि यहाँ पे क्या है पटकाई हिल्स नागा हिल्स मीजो हिल्स अब यहाँ से जब यहाँ से यहाँ यहाँ जाते हैं तो इनकी जो हाइट है वो कम हो जाती है लेकिन यहाँ पर पहुँच इनकी जो हाइट है वो दोबारा से बढ़ जाती है इन माउंटेंस की हाइट तो ऐसा माना जाता है कि कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं ये एलिवेटेड पोर्शन है माउंटेंस का एलिवेटेड यानी कि ऊपर को उठा हुआ पोर्शन है माउंटेंस का जो कि क्या है डूबे हुए हैं ठीक है ठेके? किस में डूबे हुए हैं वे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं ना ये तो यहाँ पर जो है ऐसा माना जाता है कि ये एलिवेटेड पोर्शन है सबमेर माउंटेन्स का और ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है यहाँ पर भी ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फना की यानी कि यहाँ पे भी बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं और मेनली यहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं ओके दीज आइलैंड लाई क्लोज टू तो द इक्वेटर ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये इक्वेटर के पास में है इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है यानी कि जैसा क्लाइमेट इक्वेटर पे होता है वैसा ही क्लाइमेट इस ग्रुप ऑफ आइलैंड में पाया जाता है ओके तो बच्चों जब हमने हर एक फिजियोग्राफिक यूनिट की डिटेल स्टडी की तो हमने जाना कि हर एक फिजियोग्राफिक डिवीज़न में अपनी ही एक अलग यूनिक फीचर है अपनी ही एक अलग खास बात है जैसे कि अगर हम बात करें माउंटेंस की तो माउंटेंस मेजर सोर्स है वाटर एंड फॉरेस्ट का और अगर हम बात करें नर्दन प्लेन्स की तो वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फेमस है यानी कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छे से होता है नेक्स्ट अगर हम प्लेटो की बात करें तो वो स्टोर हाउस है मिनरल्स का और अगर हम बात करें कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप्स की तो वो साइट्स हैं फिशिंग के लिए पॉट और पॉट एक्टिविटीज़ के लिए क्योंकि यहाँ पर ग्रेट डाइवर्सटी है किसकी फ्लोरा एंड फना की और स्टूडेंट्स क्या आप जानते हो कि जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वहाँ पर इंडिया का एक्टिव बॉल्कैनो कहाँ पाया जाता है बैरन आइलैंड पे तो बच्चों इसी के साथ हमारा सिक्स फिजियोग्राफिक डिवीज़न भी कंप्लीट होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम द इंडियन डेजर्ट द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स इन तीनों फ़िजोग्राफिक फी, डिविजन्स को मैप पे लोकेट करेंगे ओके स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव डे। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने सिक्स मेजर फिज्योग्राफिक डिविजन्स को डिटेल में स्टडी कर लिया है और साथ ही साथ हमने फर्स्ट थ्री फिजियोग्राफिक डिविजन्स को मैप पे लोकेट करना भी सीख लिया है आज हम नेक्स्ट थ्री फिजियोग्राफिक डिविजन्स को मैप पे लोकेट करेंगे कौन कौन सी फिजियोग्राफिक डिविज़न द इंडियन डेजर्ट द कोस्टल प्लेन्स एंड द आईलैंडस ओके तो सबसे पहले हम मैप में लोकेट करेंगे द इंडियन डेजर्ट को तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था द इंडियन डेजर्ट जो है वो अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन की तरफ लाइक करता है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अरावली रेंज को लोकेट करेंगे तो यहाँ पर जो है वो हमारी अरावली रेंज है अरावली रेंज ओके स्टूडेंट्स अब इसके वेस्टर्न साइड पे जो हमारा इंडियन डेजर्ट है वो है तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ओके ऑल्सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में अनडवेल्टिंग सैंडी प्लेन पाए जाते हैं जो किसे खबर होते हैं सैंड ड्यून से सैन ड्यूनस क्या होते हैं जब वहाँ पे हवा चलती है विंड चलती है तो वो अपने साथ साथ रेत भी ले आती है और वो रेत जो है फिर सेटल डाउन होती जाती है और वो पहाड़ बना देती है बड़े बड़े इस तरह से रेत के पहाड़ उन्हें कहते हैं सैन ड्यूट्स ओके ऑल्सो स्टूडेंट्स जो इंडियन डेजर्ट है वो पूरे राजस्थान स्टेट को कवर करता है यानी कि जो राजस्थान है वो इंडियन डेजर्ट में आता है स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट फिजोग्राफी डिवीजन जो हमें लोकेट करनी है वो है द कोस्टल प्लेट्स तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था जो पेनिसो प्लेटो है वो किससे गिरा हुआ है नैरो कोस्टल स्ट्रिप से जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अलॉन्ग रन कर रही है वेस्ट साइड में अरेबियन सी के अलॉन्ग रन कर रही है और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल के अलॉन्ग रन कर रही है अब जो वेस्टर्न कोस्ट है वो वेस्टर्न गार्ड्स और अरेबियन सी के बीच में सैंडविच है तो स्टूडेंट्स हम वेस्टर्न कोस्ट को लोकेट करने से पहले हम वेस्टर्न गार्ड्स को लोकेट कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी लोकेट करके दिखाया था इस तरफ जो है वो वेस्टर्न गार्ड्स हैं ठीक है और ये कॉन्टीन्यूस लाइन है ठीक है यहाँ तक और इस तरफ जो है वो ईस्टर्न गार्ड्स हैं नीलगिरी में तो क्या ओके okay. तो स्टूडेंट्स ये हमने लोकेट कर दिए वेस्टर्न गार्ड्स एंड ईस्टर्न गार्ड तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो वेस्टर्न कोस्ट है वो वेस्टर्न गार्ड और अरेबियन सी के बीच में सैंडविच हैं अब अरेबियन सी कहाँ पे है ये आगे बच्चों यहाँ पे क्या है अरेबियन सी अब अरेबियन सी और वेस्टर्न गार्ड्स के बीच में जो है वो है वेस्टर्न कोस्ट और ये जो होती है ये होती है कोस्टल लाइन ठीक है अब जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट हैं उनकी थ्री सेक्शंस हैं कौन कौन सी जो नदन पार्ट है कोस्ट का उसे कोंकण कोस्ट कहा जाता है जो मुंबई से गोवा तक है और जो सेंट्रल स्ट्रेच है वो कन्नड़ प्लेन है वाइल जो साउदर्न स्ट्रेच है उसे मालाबार कोस्ट कहा जाता है तो अब हम इन तीनों को लोकेट करेंगे स्टूडेंट्स ये गई हमारी यहाँ पर यहाँ पर ये आ गया हमारा नॉर्दर्न सेक्शन है जो वेस्टर्न कोस्ट की यानी कि कोंकण और यहाँ पर जो है वो कन्नड़ प्लेन जो कि है और यहाँ पर जो आ गया वो मालाबार कोस्ट ओके अब हम वन बाय वन इनके नेम लिखेंगे ये कोंकण स्टूडेंट्स इसको मैंने थोड़ा थिक कर दिया है कन्नड़ प्लेन को सो दैट आप इजली डिफरेंस फील देख सको कि यहाँ तक जो है वो हमारे कोंकण है साथ साथ में नेम लिखते जाएंगे तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये मेरा नेम लिख दिया ये जो मुंबई से गोवा तक है वो है कोंकण फिर ये कन्नड़ एंड ये सदन वाले स्ट्रेच जो है वो है मालाबार कोस्ट यहाँ से यहाँ तक ओके अब हम हाँ, ईस्टर्न कोस्ट को लोकेट करेंगे तो स्टूडेंट्स जो ईस्टर्न कोस्ट का नर्दन पार्ट है उसे नर्दन सिरकार कहा जाता है और जो सदर्न पार्ट है वो कॉरामडल कोस्ट है यानी कि यहाँ पे जो है वो है नदन सिरकार सिरकार ओके और जो सर्दर्न पार्ट है वो है कॉरमेंडल कोस्ट कोस्ट ओके okay, स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इंडियन डेजर्ट को भी लोकेट करके देख लिया और जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं उन्हें भी लोकेट करके देख लिया अब हम लोकेट करेंगे द आईलैंडस तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था इंडिया के टू ग्रुप्स हैं आईलैंड के लक्षद्वीप आईलैंड फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन कौन सा है दंडामान एंड निकोबार आईलैंड अब हम उन्हें लोकेट करेंगे स्टूडेंट्स जो लक्षद्वीप आईलैंड ग्रुप हैं वो कहाँ पाए जाते हैं मालाबार कोस्ट के पास में ये रहा मालाबार कोस्ट और उसके पास में लक्षद्वीप आईलैंड लिखेंगे हम ये आपको जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ये ठीक है ये क्या है लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप और स्टूडेंट्स जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो पहले किस नाम से जाना जाता था लाकादीव मिनीकॉय एंड एमिन और फिर नाइनटीन सेवेंटी थ्री में इन सबका नाम क्या रखा गया द्वीप। नाउ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्सटेंडेड है यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ से साउथ की तरफ और इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसे कहा जाता है अंडमान और जो साउथ वाला पार्ट है उसे कहा जाता है निकोबार आइलैंड ओके बार ओके। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा आज के लेक्चर में हमने तीन फिजियोग्राफिक डिविजन्स को लोकेट किया द ग्रेट इंडियन डेजर्ट द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स Okay. That's all for today. Thank you and have a nice day.